Dear students, I am Dr. Zafar Mir, and today I will discuss with you about theory given by Vygotsky. थोड़ा सा इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ थेरी को, और फिर इसकी हम कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, और स्पेशली इसके जो की फीचर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये प्याजे की जो थेरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उससे किस तरह डिफ़र करती हैं। ओके, सबसे पहले ये कि जो विगोत्स्की था वो बेसिकली रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और इसने जो थेरी दी है उसका नाम है सोशो कल्चरल थेरी। ठीक है, सोशो कल्चरल थेरी से नाम से ही जाहिर है कि वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो कल्चर है वो मैटर करता है। ठीक है, और स्पेसिफिकली इसने ये कहा कि सोशल इंट्रैक्शन प्लेज वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन अगर डेवलप करनी है अडल्ट्स की और चिल्ड्रंस की, तो आप उनकी सोशल इंट्रैक्शन करवाएं, वो आपस में बातचीत करें। लैंग्वेज वो कहता है कि ऐसा कल्चरल टूल है जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है चाइल्ड इज़ अ सोशल बीइंग कैन बी डेवलप्ड इन कल्चर। वो कह रहे हैं कि चाइल्ड सोशल बीइंग है, चूँकि उसकी नेचर में शामिल है सोशल होना, तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़ाहिर है इंटरेक्शन से, सोसाइटी में अडल्ट से इंटरेक्शन से ज़्यादा बेहतर होगी। और फिर ये भी कहता है कि कॉन्शियसनेस एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, वो उसके नज़दीक ये है कि जो सोशलाइजेशन की एंड प्रोडक्ट होगी वो कॉन्शियसनेस होगी। लैंग्वेज जो है वो एक कल्चरल टूल है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरीड अक्रॉस कल्चर। अगर कल्चर डिफरेंट होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरी कर जाएगी, ये विगोत्स्की की वजह से। अच्छा, वो ये भी कहता है कि लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंटरडिपेंडेंट, जो थॉट्स हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं और जो लैंग्वेज है ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD इसको लिखा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, ये क्या है? ये बेसिकली वो जोन है जिसमें जो लर्नर है या जो चाइल्ड है उसकी जो लर्निंग है रुक जाती है, किसी स्टेज पे रुक जाती है, और उसको जब लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो वो जो नेक्स्ट जोन है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए लर्निंग की, वो बेसिकली वो जोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वो एरिया है आई कैन डू, यानी जो चाइल्ड है वो इस एरिया में तो काम कर सकता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेवल है लर्निंग का। ठीक है, वो कहता है कि आई कैन डू विद हेल्प चलें ये लिखना, आई कैन डू विद हेल्प, यानी इस स्टेज से इस स्टेज तक जो उसने जाना है वो कह रहा है कि आई कैन डू बट विद हेल्प, और इसके नेक्स्ट स्टेज क्या है मिसाल के तौर पर, वो ये है कि कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू। अब ये जो स्टेज है बेसिकली यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है इधर तक तो वो कर सकता है, लेकिन ये जो स्टेज है यहाँ पे वो खुद से उसकी लर्निंग स्टॉप हो गई है और वो किसी की मदद से इस स्टेज में जंप कर सकता है। तो जिस स्टेज पे किसी भी अडल्ट की लर्निंग स्टॉप हो जाती है और वो ये जो है वो ZPD कहलाता है, ये वो एरिया है जो ZPD कहलाया, जहाँ पे इसकी लर्निंग यहाँ पे स्टॉप हो गई है, अब ये इस स्टेज से इस स्टेज में जा सकता है अगर इसको कोई हेल्प करेगा तो। ठीक है, अच्छा, जोन ऑफ ये जोन है यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ये जोन है जिसमें उस चाइल्ड की लर्निंग स्टॉप हो गई है और उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है उस जोन से निकलने के लिए। ठीक है, ओके, अच्छा, अब स्कैफोल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली विगोत्स्की ने खुद ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया, यानी इसने जो राइटिंग्स लिखी हैं किताबें या जो इसके आर्टिकल्स हैं उसमें उसने स्कैफोल्डिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया। स्कैफोल्डिंग का वर्ड बाद में जो साइकोलॉजिस्ट आए हैं जैसे ब्रूनर है और भी हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये क्या है स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट या चाइल्ड
इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, ठीक है, ये अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी इसकी जो चाइल्ड की लर्निंग है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है और इसको ज़रूरत है किसी की हेल्प की कि वो इस स्टेज तक पहुँच जाए या मास्टर हो जाए, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी सीनियर को, किसी एल्डर को, जैसे टीचर है क्लासरूम के अंदर, या कोई नेक्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, या क्लास में जो लाइक स्टूडेंट है, जिसको जो मास्टर है इस एरिया का, उसको ये स्किल्स आती हैं, ठीक है, तो वो इस स्टूडेंट की मेंटरिंग करेगा, इसको हेल्प करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा ताकि वो इस जोन से निकल जाए। तो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई सीनियर एल्डर टीचर जो स्किल रखता है, जो ये चीज़ जानता है, वो उस एडल्ट की हेल्प करेगा उसको इस जोन से निकालने के लिए, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का आप इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, ये मेंटरिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे बैंक्स में कोई नया कैशियर आ जाता है तो उसको पहले सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, वो उसको वो चीज़ें सिखाता है और उसकी मेंटरिंग करता है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर स्टूडेंट की लर्निंग स्टॉप हो चुकी है, उसको जब आप हेल्प करेंगे किसी सीनियर के साथ, कोई सीनियर उसको हेल्प करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको वो स्किल सिखा देगा, तो वो इस जोन से भी निकल आएगा जो प्रॉक्सिमल का जोन है जिसमें उसकी लर्निंग रुकी हुई थी, और वो मास्टर हो जाएगा इस स्किल का जो उसको सीनियर ने दी है। अच्छा, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे इस थ्योरी में, विगोत्स्की की थ्योरी में वो कहते हैं, फ़र्ज़ कर ले आपने लैंग्वेज सिखानी है, तो वो लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए इंटरेक्शन करें, सोशल इंटरेक्शन करें, एक चाइल्ड जो है वो अपने पीयर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ खेले, उसके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ गेम्स करें या उसके साथ वर्क करें, उस जो फिर वो जो लैंग्वेज या वर्ड सीखता है उसको वो फर्स्ट स्टेज पे इंटरनलाइज करता है, उन वर्ड्स को, उन बातों को अंडरस्टैंड करता है। जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर सेल्फ टॉक करता है वो अपने आप से, इनर स्पीच जिसको आप कहते हैं, कि जब कोई मामला होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले वो इनर स्पीच करेगा उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसके बाद प्याजे और विगोत्स्की में जो मेजर डिफरेंस है ना, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेजेस में कर दिया कि जो चाइल्ड है वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होता है, ठीक है। इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी विगोत्स्की कह रहा है कि कल्चर जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, इनका टोटल फोकस डिफरेंट है। ये नहीं कहते कि स्टेजेस में, ये कहते हैं कि आप जितना भी इंटरेक्शन करवाएंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म से बेसिकली ये जुड़ी हुई है बातें, कि जितनी भी आप इंटरेक्शन करवाएंगे तो चाइल्ड जो है वो चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो विगोत्स्की की थ्योरी जो है सोशो कल्चरल के साथ बड़ा एसोसिएटेड है। अच्छा, फिर विगोत्स्की ये कहता है कि सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट्स हैं, ये जो स्टेजेस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन विगोत्स्की के ऊपर भी क्रिटिक काफ़ी की गई है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने फोकस कर दिया है सिर्फ कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, और जो है ना इंडिविजुअल को इग्नोर कर दिया है, बल्कि इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। और फिर उस पर यह भी इन्होंने एक क्रिटिक आती कि जेंडर को भी इन्होंने इग्नोर कर दी कि मेल्स और फीमेल्स किस तरह कॉग्निटिविटी डेवलप होते हैं, ठीक है, ओके।